is Nazia Malik. मैं टीवी वन बहुत शौक से देखती हूँ. आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल टीवी वन पीके. सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराए रास अलर्ट्स अपने मोबाइल पर. क्या वो वकार के बारे में बात करती है? हाँ, वकार से डाइवोर्स नहीं रहना चाहती. वो बस जैसे जी रही है वैसी जिंदगी गुजारना चाहती है. मेरी ख्वाहिश तो बढ़ती जा रही है कि वो दोनों एक दूसरे से मिले. ख्वाहिश तो मेरी भी ऐसी है ना. वैसे भैया, तुम्हारे चेहरे की परेशानी से तो ये अंदाजा हो रहा है कि परवेज मलिक तुमसे राबता करना चाह रहा है और तुम मुसलसल उसे नजरअंदाज कर रही हो. मैं जानता हूँ वो कहाँ है, बल्कि मैं उन दोनों से मिल भी चुका हूँ. एक तस्वीर आपकी और समीना आंटी की जो आपने मुझे दिखाई थी, उसी की वजह से उन्हें पहचान पाया. जब तुम पहले जमशेद से सादिया का नंबर मांगती थी तो वो टाल मटोल करता था, अब जब उसने दिया है तो वकार का कुछ पता ही नहीं है, वो गायब है. सना से नहीं मिल पाऊंगा, हिम्मत नहीं है मुझ में. मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है वकार. मैं समीना का सामना तो कर सकता हूँ, लेकिन सना का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में. क्या होने जा रहा है? जिस हकीकत को मैं भूल चुकी थी वो आज मेरे सामने आ खड़ी हुई है. क्या होगा अगर वकार तबरेज को लेकर आ गया तो क्या होगा? क्या सना के सवालों के जवाब तबरेज दे पाएगा? मैं तो उसे माफ भी कर दूं, लेकिन क्या सना मुतमईन हो पाएगी? हेलो जी, वो तो तैयार हो रहे हैं. आप कौन? नायला. देखिए, मैंने आपको, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि फोन रिसीव मत किया करो. क्यों उठाया तुमने फोन, बोलो? वो फोन मुसलसल बज रहा था, आप तैयार हो रहे थे इसलिए मैंने उठा लिया. आइंदा फोन को हौस मत लगाना, समझी तुम? वो नायला कौन है, बार बार आपके लिए फोन कर रही है? मेरी एक दोस्त जिससे मैं रोज मिलता हूं. तुम्हें से मतलब? तुम मेरी बीवी हो, घर में सिर्फ बीवी बन के रहो बस, और मेरे प्रोफेशनल मामलात में इंटरफियर मत किया करो. ठीक है, मैं आपके प्रोफेशनल मामलात को समझती हूँ, लेकिन इस तरह कोई गैर औरत बार बार घर में फोन करे कोई अच्छी बात तो नहीं. आप खुद ही सोचे, कल को हमारी औलाद भी होगी, जवान होगी तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? जब औलाद होगी तब देख लेंगे. नाश्ता लगाओ मेरे लिए, देर हो रही है. आप ठहरे, मैं अभी 10 मिनट में नाश्ता लगाती हूँ. रुको, क्या मतलब 10 मिनट? अभी तक नाश्ता नहीं लगाया तुमने? देर हो रही है मुझे. कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारा तैयार किया हुआ नाश्ता खाने की, बाहर कर लूंगा मैं. इस औरत से शादी करके तो बहुत बड़ी गलती की मैंने. तुम अभी तक इस घर से गई नहीं?
मैंने कहा था ना कि मेरे वापस आने तक तुम मुझे इस घर में नजर ना आना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इस घर को छोड़ के कहां जाऊंगी? सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, उनके मना करने के बावजूद मैंने आपसे शादी की, और अब इस तरह अचानक मैं वहां वापस जाऊंगी तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं अपनी बच्ची को लेके कहां जाऊं? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि जिस शख्स की वजह से मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, उस शख्स ने आज मुझे छोड़ दिया? बस, इतनी लंबी तकरीर नहीं सुननी है मुझे। अपनी प्यारी बेटी को भी साथ ले जाना, नहीं चाहिए वो मुझे। क्या? अभी के अभी निकलो इस घर से, आउट। वो सिर्फ मेरी बेटी है, आपसे उसका कोई रिश्ता नहीं है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे बेटियां पसंद नहीं है। फिर क्यों की तुमने बेटी पैदा? क्यों? और रही बात तुम्हारे वालदैन की, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। देखो समीना, तुम मुझे इस घर में नजर मत आओ, वरना 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 क्या करेंगे? मार डालेंगे ना मुझे? तो मार डाले मुझे। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी, इस घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखता हूं कि तुम इस घर से कैसे नहीं जाती। अभी फोन करता हूं तुम्हारे बाप को। तुम एक जहनी मरीज हो जो मेरे गले में एक मुसीबत की तरह पड़ गई है। जहनी मरीज? आपने कर दिया मुझे जहनी मरीज, पागल कर दिया आपने मुझे। नहीं जाऊंगी कहीं भी, सब कुछ छोड़ के आ गई मैं सिर्फ आपकी वजह से। नहीं जाऊंगी मैं घर छोड़ के, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। वो बच्ची तुम्हारी भी थी तब्रेज, तुम तो जान छुड़ा कर निकल गए, लेकिन मैंने पाला है सना को, और आज वही बच्ची तुमसे सवाल करने को तरस रही है। कैसे कैसे नजरें मिलाओगे तुम उससे? मैं शादी कर चुका, अब अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो नौकरानी बनते रहना होगा, नायला की नौकरानी। मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगी। इस घर में मेरे रुकने का आप कोई मकसद ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक, तुम इस घर से जाओगी तो नायला आएगी, और हाँ, जाते हुए वो अपनी लाडली बेटी को भी ले जाना। तुम फिक्र मत करो, अपनी बच्ची को मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। तुम जैसे शख्स के पास मैं छोड़ के भी नहीं जाऊंगी उसे। तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। यहां से जाने के लिए मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम मुझे तलाक नहीं दोगे, मैं तुमसे कोई राबता नहीं रखूंगी, और न ही बच्ची के खर्चे के लिए तुमसे कुछ चीज मांगूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं और मेरी बच्ची ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं तुम लोगों को इस घर से धक्के मार मार के निकाल दूंगा। कोशिश करके देख लो, अगर कर सको तो। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी भी है।
कि तुम जिंदगी भर मुझसे कोई रابطہ नहीं रखोगे और ना ही कभी मुझे अपनी शक्ल दिखाओगे। मेरा कभी मुझ पर वो वक्त नहीं मुझे तुम जैसे शख्स से प्राप्त करना। मैंने वो घर छोड़ दिया तब्रेज और मेरे रब ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ी। तुमने तो शादी भी कर ली। मैंने अपनी बेटी को पाला और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से पाला। तुम्हारे साथ क्या हुआ इतना जरूर जानना चाहती देखना चाहती हूँ। जुल्म और ज्यादती करने वाला शख्स आज किस हाल में है? मरियम जी। वकार भाई छोड़ो उसको बाद में कर लेना। आओ इधर आओ मेरे पास बैठो मुझे तुमसे आज एक बहुत जरूरी बात कहनी है। जी वकार भाई क्या बात है? मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम कहती थी ना मुझसे कि तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलना है। हाँ हाँ वकार भाई। और मैंने तुमसे वादा भी किया था कि मैं तुम्हें किसी अपने से जरूर मिलाऊंगा। हाँ तो कब मिलवा रहे हैं आप और किससे? बेटा तुम्हारी एक बहन है सना। बहन? हाँ बहन कराची में रहती हूँ। लेकिन वकार भाई मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि मेरी बहन भी है। अबू ने भी कभी जिक्र नहीं किया। देखो बेटा ये तो एक बहुत ही लंबी कहानी है तुम शायद इसे अभी ना समझ पाओ। हाँ लेकिन बस इतना जान लो कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो सच है। लेकिन वकार भाई क्यों अचानक मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। सच पूछे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ तुम्हें। समीना ये घर है ये कोई मछली बाजार? यहां कोई इंसान अपना काम आराम से भी कर सकता है या नहीं? अजीब बच्ची पैदा कर दी है तुमने जो हर वक्त रोती रहती है। क्यों नहीं चुप कर रही है ये?
वो मैं कोशिश तो कर रही हूँ उसे चुप कराने की, मैं भी क्या करूँ, मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है, घर को संभालूं या उसे देखूं, सारी गलती मेरी है, बस मैं अभी उसे चुप करा देती हूँ। तुम्हारी बेटी हर वक्त रोती रहती है, तुम हर वक्त बीमार रहती हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अस्थमा की पेशेंट हो? सोच समझ कर तुमसे शादी करना, मैं इतना जरूरी काम कर रहा हूँ और इसने रो रो के मेरा जीना मुहाल किया हुआ, जाओ जाके चुप कराओ। जी, चुप कराती हूँ, जाओ। क्या सोच रहे हैं चाचा आप? कुछ भी नहीं यार, माजी बहुत तल्ख है, इसे आप जितना भी भुलाना चाहेंगे लेकिन भूल नहीं पाएंगे, जितना भी कोशिश करें। बेहतर तो ये था कि आप इसका सामना करते। तुमने तो सिर्फ सुना है वकार, मैंने जुल्म किया है, मैं कितना ही बहादुर क्यों ना हो जाऊं उसका सामना नहीं कर सकता। बहुत बहुत बेचैनी से सना आपका इंतजार कर रही, आस लगाए बैठी आपसे। आस टूट जाएगी तो इंतजार भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक बार उससे मिल लिया ना तो उसके बाद खुद को फेस नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं चाचा नहीं, ये आपके अपने अंदर का डर है, हो सकता है कि सना आपको देखकर आपसे मिलकर आपको माफ कर दे, हो सकता है कि अब भी उसके अंदर अपने बाप के साथ रहने की ख्वाहिश हो सकता है। चाचा ये भी हो सकता है कि वो बजाय जितनी नफरत करती है आपसे, अंदर से उससे कहीं ज्यादा आपसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। हाँ हो सकता है ये भी, और ये भी तो हो सकता है कि वो बजाहिर मुझसे जितनी नफरत करती है, मुझसे मिलने के बाद अगर उसकी नफरत और ज्यादा होगी तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए इस कहानी को यहीं दफन करता हूं। ठीक है, जैसे आप कहें। समीना बहन, खैरियत तो है? आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। पिया मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा बात करने का कोई मूड नहीं हो रहा। क्या हुआ आपकी तबीयत? बस वो सर में कुछ दर्द सा है। आपने कोई पेन किलर ली? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, खुद ही ठीक हो जाए। एक सेकंड में आपके लिए लेकर। अरे नहीं, रहने दो। ऐसे कैसे है? आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको पेन किलर की जरूरत है, मैं अभी लाती हूँ।
ये पानी लीजिए। तुम खामखा तकलीफ कर रही हो। अरे क्या बात कर रही हूँ, I'm sorry, समीना बहन। किस बात के लिए? वो कल रात को मैं ज्यादा ही कुछ बोल गई, मुझे बिल्कुल भी आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी कि आप जा सकती हैं। नहीं भैया, शायद मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था, इसी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। चाय बनाऊं मैं आपके लिए? अरे नहीं, रहने दो, मैंने अभी अभी चाय पी है। वैसे एक दूसरे का ख्याल भी तो किया जा सकता है, एक दूसरे के दुख दर्द में शिरकत भी तो की जा सकती है ना। जरूरी तो नहीं है हमेशा हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहें। आप प्लीज ये बात सना को जरूर समझाइएगा कि वो इस बात को समझे। भैया पहले मैं तो समझ जाऊं कि अचानक तब्दीली की वजह क्या है, ऐसा क्या इनकलाब आ गया कि तुम इतनी बदल गई हो? सना को तो मैं बाद में समझाऊंगी। ठीक है, जब आपको मेरे खलूस पे यकीन आ जाए ना तो आप सना को जरूर समझाइएगा। आराम कीजिए। कार भाई चाय लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो पी लूंगा। वो वकार भाई मैं सो ही नहीं सारी रात। बेटा मैं ये बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा कि क्यों, यकीनन तुम यही सोच रही हो कि आखिर आज तक तुम इन सब बातों से लालच क्यों थी, है ना? हाँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं अपनी बहन से मिलना चाहूँ तो क्या अब्बू इजाजत देंगे? तुम खुद बात करके देखो उनसे। कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे बात कैसे करूं। यकीनन वो इस वक्त काफी परेशान होंगे। हाँ लेकिन अगर तुम उनसे बात करके देखो और अच्छे तरीके से बात करके देखो तो उनकी परेशानी भी कम होगी और वो इस बारे में सोचेंगे भी। तो क्या मैं उन्हें बता दूं कि मुझे वकार भाई ने सब बता दिया? हाँ बेटा बिल्कुल, उन्हें बता दो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या आपको पता था या आप जानते थे कि मेरी एक बहन भी है? जानता तुम्हें था लेकिन मिला नहीं था कभी, फिर अचानक किस्मत की वजह से मेरी उनसे मुलाकात हो गई और फिर सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। हाँ भाई क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं अब्बू, मैं तो बस वकार भाई से पूछ रही थी कि चाय लाऊं आपके लिए। अच्छा मेरे लिए तो लेके आओ। जी जाओ बैठे चाचा। कहाँ से भैया? दुकान से आ रहा हूँ भैया।
भैया मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहो सना। हमारे ऑफिस में जो इसरार साहब है, मैं उन्हें जॉब से फारिग कर। बहुत अच्छा फैसला किया। क्या मतलब? वो तो तुम्हारे खास आदमी है ना? हाँ, खास आदमी था, औलाद जी। मैंने उसे कहा कि अदनान की छोटी वसीयत बना के लाओ, तो कहने लगा ठीक है, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। मतलब तुमने छोटी वसीयत बनाने के लिए कहा? हाँ सना, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं दौलत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। मेरा तो कोई है नहीं, और अगर मैंने तुम लोगों को खो दिया तो मैं पागल हो जाऊंगी। सना, मैं पागल नहीं होना चाहती। मैं ये तो जानती थी कि तुम एक लालची औरत हो, और ये भी जानती थी कि तुम दौलत के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, लेकिन जो कुछ भी आज तुमने तस्लीम किया है मेरे लिए तुम्हारा एक नया रूप है। देखो सना, मेरा रूप नया है, मेरी सोच भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ मैं जानती हूँ वो ठीक नहीं है। अब गलती तस्लीम करने से इंसान की नीयत का अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना सना? मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहे मुझे सजा दे सकता है। अगर ये तुम्हारी कोई नई चाल नहीं है तो तुम्हारी ये सोच जानकर मुझे हैरानगी हुई और खुशी। तुम जिस तरह चाहो ऑफिस से जाओ, जिसको चाहो रखो, जिसको चाहो निकालो, सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में सना। ओके। चाचा, आपसे मरियम ने कोई बात की? नहीं, अभी तो नहीं। कौन सी बात करनी थी उसने? मैंने उसे बता दिया। कि उसकी एक बहन तो क्या कहा उसने? कुछ नहीं, थोड़ा हैरान हुई और फिर थोड़ा खुश। आसानी से समझ गई? मेरा मतलब है कि उसने कोई सवाल नहीं किए? सवाल तो बहुत किए चाचा उसने। जो हकीकत थी वो मैंने उसे बता दी। मैं अच्छा किया वकार जो उसे बता दिया, कि मैं उसे खुद से कभी भी ना बता पाता, और अगर बताता तो उसे समझा ना पाता। मैं हैरान, इतनी छोटी सी उम्र में वो कितनी समझदार है, रिश्तों को महसूस करती है। मेरा ख्याल है कि वो आपसे बात करेगी। बहुत मुश्किल होगा उसका सामना करना मेरे लिए वकार। क्यों चाचा? वो तो ये सब कुछ जानने के बाद बहुत खुश है, बहुत खुश। और अब तो आपको उसे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस ये है कि वो जो भी सवाल आपसे करे आप उसे जवाब दीजिए। आपसे कहा था ना कि मुझे अपनों से मिलना है। हमारे रिश्तेदार कहाँ पर है? कि मुझे नहीं पता था मेरी एक बहन भी है। मरियम, वो
मुझे आपसे ही गिला है तो मुझे ये बात वकार भाई ने बताई, आपने क्यों नहीं? बेटा मुझे तो खुद मालूम नहीं था कि वो लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तुम्हें क्या बताता? अबू, किसी का होना शायद इतना मैटर नहीं रखता, ना किसी के होने का एहसास मायने रखता। बेटा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि ये सब जानने के बाद न जाने तुम मेरे बारे में क्या सोचती। मैं आपकी बेटी हूँ, आपने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, फिर ये कैसे सोच लिया आपने कि आप मुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे? मुझे लगा बेटा कि अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। जब से वकार भाई ने मुझे ये बताया है मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतना तो पता चल गया है कि मेरी बहन भी है, चाहे वो मुझसे मिले ना मिले, लेकिन इस बात का कोई गम कोई दुख नहीं मुझे। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई। अच्छा जाओ मेरे लिए चाय का एक कप बना के लाओ। एक नफरत है मेरे दिल में अपने बाप के लिए, मुझे छोड़कर चले गए। कई साल गुजर गए, ये सब किस्मत में लिखा था। मुझे कुछ सवाल तो करने हैं ना उनसे, लेकिन मैं एक बेटी भी हूं। औलाद गलती करे तो माँ बाप माफ कर देते हैं, और अगर वालिदैन गलती करें तो औलाद का तो फर्ज बनता है उसे दरगुजर कर देना। फिर इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे दिल में सना, वो भी अपने बाप के लिए? चाचा मैं कल जा रहा हूँ। ठीक, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम सना को कुछ नहीं बताओ, क्योंकि मैं उसका सामना नहीं कर सकता। आप बेफिक्र हैं, मैं सना को कुछ नहीं बताऊं, लेकिन अगर समीना आंटी आपसे मिलना चाहेंगे फिर से मैं जरूर मिलना चाहूंगा, अपनी की गई ज्यादतियों की माफी मांगने की। और चाचा मुझे आपसे एक इजाजत भी चाहिए। किस चीज की? मैं मरियम को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, हुसैना से मिलना चाहता हूँ। आप सुने, आप बेफिक्र हैं, सनों को मैं ये नहीं बताऊंगा कि मरियम उसकी बहन है, पर प्लीज आप मरियम, मरियम बेटा बात सुनो। चलो बेटा अब तुम्हारा काम है चचा को मनाना, मनाओ। अब्बू मैंने ही वकार भाई से कहा था कि मुझे सना से मिलना है, वो मेरी बहन है, मैं उनसे मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी भी कि मैं उनकी बहन।
आप प्लीज मुझे जाने। चलो ठीक है, पकार इसे जल्दी वापस। तो सर मैं मरियम को वापस छोड़ने नहीं आऊंगा, बल्कि आप इसे खुद लेने आएंगे वहां, क्योंकि मैं जानता हूं कि समीना आंटी आपसे जरूर मिलेंगी। और अब्बू आप भी सना से एक बार जरूर मिलिएगा, चाहे किसी बहाने से ही सही। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। अच्छा वकार भाई, मैं तैयार हो जाती हूँ। देखा चाचा कितनी खुश होकर गई। मरियम बेटा जी, तुम खुश हो? जी अब्बू मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा वहां जाना ठीक रहेगा या नहीं। क्यों अब्बू, एक ही तो बहन है मेरी, उससे भी ना मिलूं, और वैसे भी मैं कहीं आती जाती ही नहीं, और जाऊं भी तो कहां, कोई है ही नहीं जिसके पास जाऊं। वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारे वहां जाने पे, कि मेरे दिल में एक खौफ सा है। कैसा खौफ अब्बू? तुम अभी ये बात नहीं समझोगी। मैं सब समझती हूँ अब्बू, वकार भाई ने मुझे सब समझा दिया है। मुझे सना आपी के पास जाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताना कि मैं उनकी बहन, बस उन्हें देखना है और मिलना है बस। सॉरी बेटा, लेकिन नहीं अब्बू, आप सॉरी ना कहें। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, और ना ही पता करना है कि क्या हुआ था, बस मुझे मिलना है। ठीक है बेटा। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी से मिलवाना है आपको। क्या वो तुम्हारे साथ आए? नहीं, ये उनकी बेटी है। आप आंटी समीना से एक दफा मिल लें। हिम्मत नहीं हो रही मेरी। इतनी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। इसे पहचानने की कोशिश करो, पहचाना तुमने? पता नहीं कौन है। क्या तुम सना से कभी भी नहीं मिली? हाँ मिली तो थी, लेकिन वो तो तुम्हें पहचान ही नहीं रही। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये नफरत, ये दुश्मनी खत्म करके दोबारा से दोस्ती कर लेते हैं यार। बिल्कुल मेरी सना की तरह, आपकी बेटी की तरह हूँ, लेकिन बेटी तो नहीं हूँ।